और पीछे का बैकग्राउंड ना अभी भी ऐसा ही है, मतलब बलून्स वगैरह है, बाकी सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया है। और हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी मैं और शेखत हम लोग जा रहे हैं फिर से वेस्ट साइड, क्योंकि जो फुटवेयर उनके लिए लिया था ना वो उनको थोड़ा सा टाइट आ रहा है। साइज तो ठीक है लेकिन उनके ऊपर से ना बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है उनको, तो इसलिए मैं उनको साथ में लेके जा रही हूँ कि खुद ही पहन के देखो कि कौन सा सही आता है आपके पैरों में, है ना। यस यस भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। और ये है हमारे फ्लावर्स जो अभी मुरझा रहे हैं। और वेस्ट साइड पहुंचते ही उन्होंने वही फुटवेयर पसंद किया जो मैं पसंद करके आई थी, लेकिन उनके साइज का नहीं था तो वो मैं ले नहीं पाई। और यहाँ पे हमने देखा कि 45 साइज जो था ना इस फुटवेयर के, यही उन पे फिट आ रहा था और 44 थोड़ा सा टाइट हो रहा था, लेकिन वो अभी जो पहन रहे हैं ना वो भी यहाँ की है, वेस्ट साइड की है एंड वो 44 साइज़ की है। तो जब तक वो यहाँ पे एक्सचेंज प्रोसीड्योर कर रहे हैं तब तक मैं फटाफट गई होम डेकोर सेक्शन में एंड चेक किया वहाँ का लेटेस्ट कलेक्शन क्या क्या है। वियान जस्ट अभी भी आया है स्कूल से, है ना, और मैंने ऑरेंज जूस बना के दिया है तो जस्ट पिया है। और वियान के स्कूल से आज कहाँ पे लेके गया था वियान, कहाँ गए थे स्कूल से? फायर स्टेशन। आज वियान के स्कूल से उन सब लोगों को लेके गए थे फायर स्टेशन फील्ड ट्रिप पे, है ना। फायर स्टेशन में क्या क्या था वियान? एंड और क्या था? फायर इंजन। यस, देखा आपने फायरमैन कैसे कलर के ड्रेस पहना था? ब्राउन। ओके, और ये है वियान का न्यू वाटर बॉटल। ये ना स्टील का बॉटल है जो मैंने लिया है, ये मैंने लिया है फ्रॉम गुड लाइफ स्टोर से। और ये ऐसे सीपर है और अंदर से ये स्टील का है ना वियान। अभी वियान देख रहा है टीवी। तो हमारी लंच हो गई है और पता है आज हम लोग जा रहे हैं जलपाईगुड़ी, इनफैक्ट अभी जा रहे हैं जलपाईगुड़ी। तो कल रात को अचानक हमने डिसाइड किया कि चलो जलपाईगुड़ी जाते हैं। जब से शादी से आया है ना तब से हम लोग गए नहीं, उसके पीछे कुछ रीजंस है। एक तो विहान की तबीयत और ऊपर से ठंड भी काफ़ी थी, और विहान जब यहाँ पे रहता है ना विहान का तबीयत बिल्कुल सही रहता है, लेकिन विहान अगर मतलब जब भी पानी चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाता है तो विहान का तबीयत खराब हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर विहान ने बहुत विहान का तबीयत जो है ना वो ऊंच नीच हुआ था, तो यहाँ पे आने के बाद जब मैंने देखा कि इतने दिनों बाद विहान का तबीयत सही है तो इसलिए हमें नहीं लगा कि विहान को फिर से इधर उधर लेके जाए, तो फिर घर पे भी बोल दिया कि ठंडा थोड़ा सा कम होने दो फिर हम लोग जाते हैं। जैसे अभी ठंड काफी कम हो गया है और शेखत को कुछ दिनों से रेगुलरली बोल रहे हैं घर से जाने के लिए, क्योंकि घर में ना पापा बहुत सारी चीजें उगाए हैं, कुछ साग वगैरह हुआ है, तो इसके लिए मतलब लाने के लिए शेखत को बोल रहे थे। और शेखत जो है ना वो जा ही नहीं पा रहा था बिकॉज वो काफी ज्यादा बिजी चल रहे थे। और फिर हमने सोचा कि ठीक है वीकेंड है तो हम तीनों इकट्ठा चले जाते हैं तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, और जो भी चीजें भेजनी है या फिर खिलानी है हम लोग खा के आ जाएंगे। वो इतने सारे डब्बे हैं मम्मी के, मेरे पास जमा था तो ये सब मैं लेके जा रही हूँ। मम्मी जब देती है ना तो भर भर के चीजें देती है, मतलब मैं सासू माँ की बात कर रही हूँ, भर भर के ये वो बना के देती है, लेकिन मैं खाली डब्बा भेज रही हूँ क्योंकि कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या भेजूँ इन सब में, तो खाली डब्बा ही जाता है। तो मैं तैयार हो गई हूँ और बहुत दिनों बाद ये वाला कुर्ती मैंने पहनी है ना। किस किस को याद है ये वाला कुर्ती प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये लोग भी तैयार है, वियान भी तैयार है। वियान लेट्स गो, हम लोग आ गए हैं टिया के घर। लौटा चीज के नाम कम आयो जी, बिग पॉपम डाकछे आमरा चले गेलाम।
और घर जाने से पहले हम लोग टिया के यहाँ पे आ गए सबसे पहले, क्योंकि टिया ने कहा था कि घर जाने से पहले हमारे यहाँ पे एक बार ज़रूर मिलते जाना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और विहान यहाँ पे खूब खेला इन दोनों के साथ और हम सब ने मिल के थोड़ा सा गप्पे वप्पे मारे और बस 2-3 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया। না পরে রেগে যাবে কিন্তু টিয়া টিয়া পরে রাগবে কিন্তু বুঝবি কি टिया ने आज समोसा बनाने का प्लान किया था तो वो ये फर्स्ट टाइम बना रही थी। टिया ने मुझे पहले ही कह दिया था कि दी आज मैं समोसा बनाने वाली हूँ तो ज़रूर आना और समोसा खा के जाना। और ये लड़की सारा जो प्रिपरेशन है ना वो पहले ही करके रखी थी, बस हम लोगों के साथ थोड़ी देर बातें बातें किया और फिर अभी समोसा जो है ना वो बना रही थी यहाँ पे। What is this? It's so yummy. It's so yummy. What is this? Samosa. Samosa. Vyan ko laga hai acha, lekin Vyan ko thoda sa teekha lag gaya aur garam bhi hai. Aur ye to patapat khate ja rahe. Kaisa hua? Bahut badhiya. भाई भाई। भाई भाई। घर पहुंचते अंधेरा हो गया था और आग के ही व्यान सबसे पहले उसका जो ये पिटारा है ना खिलौने का वो लेके बैठ गया और सारा खिलौना उलट पुलट करके सब देख रहा था कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। जो भी मिसिंग है ना वो पूछ रहा था कि ये कहाँ है वो कहाँ है, उसको सब कुछ याद रहता है। और यहाँ पे देखो सारा खिलौना देके पूरा घर जो है ना वो फैला के रखा है व्यान ने। और बाबा ने ना एक फिश रखा था पानी के अंदर व्यान को दिखाने के लिए, तो वो फिश जिंदा था और व्यान उसको अभी मुरमुरा खिलाने के लिए दौड़ रहा है कि उसको थोड़ा सा मुरमुरा खिलाएगा वो। तो मैं दिखाती हूँ, फिश ना बहुत ही बड़ा सा है, कंटेनर भी बड़ा सा है, लेकिन आप लोगों को फिश ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। वो है फिश, उसके बाद हम लोग बैठ गए बॉबी के शादी की वीडियो देखने जो आ गई थी। ऑलरेडी मम्मी पापा ने ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी मैं शेखत हम दोनों देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम लोग बैठ के रिमेम्बर भी कर रहे थे कि ये हुआ था वो हुआ था। और बॉबी की यहाँ पे जो तस्वीरें थी ना वो इतना अच्छा लग रहा था, इस बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत लग रहा था उन दोनों की फ़ोटोज़। यहाँ पे कुछ कुछ झलक मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो ये सारे नाचा गाना बहुत नाचा है मैंने, और फिर ये विदाई का मोमेंट। Thank you.
गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को ना हम सब ने मिलके यहाँ पे बॉबी की वेडिंग वीडियो जो है ना वो देखा है, और वेडिंग वीडियो अच्छा ही बना है, थोड़ी बहुत झलक भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। और लास्ट में विदाई के वक्त सब लोगों की रोने की शक्ल, और स्पेशली मैं जब फूट फूट के रो रही थी जब बॉबी जा रहा था, उस टाइम कैमरा का फोकस बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर, इतना अजीब लग रहा था ना। लेकिन हाँ, कल वो देख के मैं फिर से थोड़ा सा इमोशनल फील कर रही थी। और आई थिंक ऐसा ही होता है कि विदाई चाहे किसी की भी हो, लेकिन रोना हर लड़की को आता है, क्योंकि हर लड़की को वो मोमेंट याद आता है उसकी विदाई का। तो अगर मैं अपनी वेडिंग की विदाई देखूँ अभी भी, या किसी और की विदाई देखूँ, मुझे रोना आ जाता है, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं जस्ट अभी अभी ब्रेकफास्ट करके घर से बाहर आई हूँ, कि बाबा ने बहुत सारे साग वाग लगाया ना, वो सब कुछ देखने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो ये तो सबसे पहले मैं ना आप लोगों को कुछ फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे घर के एंट्रेंस, एंड सामने ही ऐसे वाइट रोजेस खिले हैं। और ये जो रोज़ के पौधा है ना, कि वो कितना बड़ा हो गया है, देखो बड़ा हो गया है। और बहुत सारे ऐसे कलियां भी हैं यहाँ पे, फ्लावर और उगेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कलियां हैं। ये एक नया पौधा यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे देखो ये येलो कलर का रोजेस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं येलो रोजेस। तो ये अभी जस्ट नया नया लगा है, जब बड़ा होगा ना तब देखना आप लोग। ये व्हाइट रोज के पौधे के साइड में ही यहाँ पे एक पिंक कलर का रोज का पौधा है, जो बहुत सारे फ्लावर जो है ना वो दिया है, अभी ये झड़ने लगा है पत्ता। इसके ही सामने एक और पौधा है, ये आप लोग गेस करके बताओ कि ये किस चीज की पौधा है। मैं बताई देती हूँ, ये एक्चुअली है बथुआ साग, बहुत बड़ा हो चुका है ये। यहाँ पे और सारे ये गेंदे की पौधा लगा है यहाँ पे, और वो सारे है डालिया के पौधा। और मैं अभी आ गई हूँ खेतों में, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और मैं खुद भी देखती हूँ कि क्या क्या है अभी। ये सारे है पालंग साग, आप लोग देख ही सकते हो। और इस साइड में है कुछ कुछ धनिया पत्ता बीच बीच में, और बाकी ये सारे मुझे लगता है कि वीड्स है। यहाँ पे है धनिया पत्ता, बीच बीच में बथुए भी है, और ये सारे पालंग है। और ये सारे साग खाने में इतना ज्यादा मजा आता है ना कि क्या बताऊं, क्योंकि इसमें ना कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, जो भी यूज होता है घर का ही, जो वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह होता है ना, उसका ही फर्टिलाइजर बना के इसमें डाला जाता है। तो इसलिए साग जो है ना वो खा के बहुत ज्यादा मजा आता है। और यहाँ पे कुछ बथुए है, ये सारे है सरसों की साग, ये सब सरसों की साग है। और ये सारे है पत्ता गोभी, जो अभी भी छोटे हैं, बन रहे हैं पत्ता गोभी, आप देख ही सकते हो। ये सारे पत्ता गोभी है, वो रहा पत्ता गोभी, और फूल गोभी भी है यहाँ पे, जो छोटे छोटे हैं एकदम, तो इसमें जैसे बनाई नहीं अभी तक, इसमें छोटे से बने हैं। ये देखिए वहाँ पे छोटे छोटे बने हैं फूल गोभी, ये तो यहाँ पे बनेगा। और वो सारे बड़े बड़े पत्ते जो देख रहे हो ना, वो है आई थिंक लाफा शाक, मैं उतना ज़्यादा पहचानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो लाफा शाक है। और ये सारे है बथुए, और इस बीच में ये सारे जो है ना, ये सारे धनिया पत्ता नहीं है, ये सारे है गाजर के पत्ते। तो मिट्टी के नीचे आई थिंक गाजर छोटे छोटे है अभी भी, बड़े होंगे तो खाने लायक होंगे। तो ये बाकी यहाँ पे कुछ सरसों के फूल उगे हैं। चीज इस बार नया हुआ है वो है आलू के साग, तो ये सारे जो देख रहे हो ना, ये आलू के साग है। ये आलू साग खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, अगर आप नहीं खाते हो ना देन प्लीज आलू के साग एक बार जरूर खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और आज शिवरात्रि भी है, तो शिवरात्रि दो दिन है इस बार, आज भी है, आज रात से स्टार्ट हो रही है और कल दोपहर तक है आई थिंक। तो कल मैं शिवरात्रि का व्रत करने वाली हूँ और यहीं पे करने वाली हूँ। और गाइस, इसके साथ मैं आज का ये ब्लॉग जो है ना वो करती हूँ खत्म। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।